everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो video lecture है ये based है DPP पे. DPP यानी कि daily practice problem और हम कर रहे हैं DPP for lecture number 8. Lecture number 8 के अंदर students हमने study कर लिया था second order reaction के बारे में as well as nth order reaction के बारे में, जहां पर हमने एक trick भी calculate की थी. इस ट्रिक से आप सभी ऑर्डर के लिए यानी कि जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आप वैल्यूज निकाल सकते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं थी. अब मैं आपको जो होमवर्क में हमने क्वेश्चंस दिए थे यानी कि जो डीपीपी के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे उनका सॉल्यूशन करवाने लगी हूँ. मैं इतना जरूर कहूंगी भी अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है खुद से पहले तो पहले अटेम्प्ट कर लो, वरना उसका फायदा नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे. इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. डिस्क्रिप्शन जस्ट वीडियो जहाँ प्ले होती है उसके नीचे होता है, तो वहां पर आप उसे डाउनलोड करो, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो और फिर आप मेरे से मैच करो भी कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है. अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की तरफ. उससे पहले हम एक फॉर्मूलाज रिवाइज जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, आपको मैंने जो ट्रिक ऑलरेडी समझा दी थी वो हमारी ट्रिक क्या थी, दैट इज kt इज इक्वल्स टू c नॉट की पावर 1 माइनस n माइनस c t की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n. ये जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का है और ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड होगा सभी ऑर्डर्स के लिए एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सबके लिए ये वैलिड होगा. यहाँ पर सी नॉट क्या है नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, सी नॉट है किसकी, ऑफ रिएक्टेंट. सी टी क्या है स्टूडेंट, सी टी है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. N क्या है, N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. K क्या होता है, रेट कांस्टेंट. K क्या होता है, रेट कांस्टेंट. और T क्या होता है, टाइम इंटरवल. T क्या होता है, टाइम इंटरवल. तो ये फॉर्मूला से हम सभी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहले क्वेश्चन आता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 8 × 10⁻⁵. हाउ लॉन्ग विल इट टेक यानी कि हमसे वो टाइम पूछता है, लॉन्ग का मतलब कितने समय में. विल इट टेक अ 1 मोलर सॉल्यूशन टू बी रिड्यूस्ड टू 0.5 मोलर यानी कि पहले मान लो कोई एक रिएक्टेंट ए था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. जब टाइम टी जीरो था तो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर थी. उसके बाद हमें नहीं पता कितने टाइम पर उसकी कंसेंट्रेशन रिड्यूस कितनी हो गई, 0.5 हो गई. 1 से वो 0.5 मोलर में रिड्यूस हो चुका है. वो पूछता है भी कितने टाइम में ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है. रिएक्शन हमारी सेकेंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. अभी जो हमने यहाँ पर प्रीवियस फॉर्मूला देखा था इसी फॉर्मूला में हम सारी चीजें पुट करेंगे. के टी, मैं फॉर्मूला पहले लिखती हूँ, के टी इज इक्वल्स टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन. के की वैल्यू हमें उसने दे रखी है 8 × 10⁻⁵. टी हमें कैलकुलेट करना है. सी नॉट क्या होता है, सी नॉट होता है ये इनिशियल कंसेंट्रेशन और ये क्या है, सी टी है ना. तो सी इसको आप और ढंग से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो एन की वैल्यू पुट कर दो. सीओ और सीटी की वैल्यू बाद में पुट करना है, एन की वैल्यू 2 है तो उसे पुट करो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. हाँ जी, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूं, एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं. सीओ की पावर -1 माइनस सीटी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ऐसे आ जाएगा सीओ की पावर -1 माइनस सीटी की पावर -1. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल्स टू -1/CO - 1/CT. अगर किसी की पावर -1 होती है तो उसको 1 के अपॉन में लिखते हैं. हाँ जी, इस नेगेटिव को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/CT - 1/C0. ये फॉर्मूला आ गया, सॉरी जो फॉर्मूला आया देखो इसको मैं यहां लिख देती हूँ, के टी इज इक्वल्स टू 1/CT - 1/C0.
ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, अगर किसी को नहीं पता तो ये हमने कैलकुलेट भी किया था और अभी दोबारा से मैंने इस फॉर्मूला की हेल्प से भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 × 10⁻⁵ दे रखी है। टी हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल कंसेंट्रेशन सी टी है कितनी दे रखी है, 0.5, और इनिशियल कितनी दे रखी है हमें, 1 दे रखी है। ठीक है, तो 8 × 10⁻⁵ × t इज इक्वल्स टू 0.5 को अपन पॉइंट ऊपर हटा दे तो ये हो जाएगा, ये 2 पे कट गया, यहां से क्या आएगा 8 × 10⁻⁵ × time इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा 2 − 1, 8 × 10⁻⁵ × time इज इक्वल्स टू 1। टाइम कितना आ जाएगा, 1/8 × 10⁻⁵। ध्यान से देखना, टाइम कितना आएगा, 1/8 × 10⁻⁵ हो जाएगा ये जब ऊपर चला जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, +5 हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, 1/8 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 × 10⁵। क्लियर है, 1/8 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.25। एक बार आप डिवाइड करते हैं, देखिए ध्यान से, 0.125 आएगी इसको डिवाइड करेंगे, जब 1/8 को डिवाइड करेंगे आएगा 0.125 × 10⁵ एज इट इज रहेगी। पॉइंट के डेसिमल को अगर मैं आगे भेजूंगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10⁴। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁴। क्लियर है मेरा, यहां से दोबारा देखो, यहां पर मैं ऊपर लिख देती हूँ अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो। टाइम इंटरवल मेरा आ गया 1/8 × 10⁵। 1/8 को सॉल्व करते हैं, 0.125 हो जाएगा × 10⁵, तो एक डेसिमल आगे करना है, 1.25 × 10⁴ आ जाएगा। क्लियर है फॉर्मूला, ये था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा पुट करोगे, नहीं तो मेरी तरह आप इसको डिराइव दोबारा कर सकते हो इसी फॉर्मूला की हेल्प से। हाँ जी, मेरी तरह आपको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है, अभी अगर आप भूल जाते हो तो आप क्या करो, इसको सीधा करो, क्योंकि ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद करो, सीधा ये याद करो, अब वहां से फॉर्मूला डिराइव करो और आंसर निकालो। अगर आपसे फॉर्मूला ऑलरेडी याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, टाइम आ गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमारे रिएक्शन क्या दे रखी है, 2A गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन दे रखी है। ऑर्डर क्या है, सेकेंड है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है, 2 है। रेट कांस्टेंट उसने कहा है कितना दे रखा है, के कितना दे रखा है, 10⁻⁴। देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट इज 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर मिनट। ये हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब टाइम टी 0 था तो कितनी थी, 10⁻⁔, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। वो पूछता है हाफ लाइफ बताओ कितनी होगी, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताइए सेकंड ऑर्डर के लिए। हाँ जी, तो अगर आपको मेन फॉर्मूला याद है, मेन फॉर्मूला क्या है, के टी इज इक्वल्स टू 1/CT − 1/C0, यही फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेटेड का। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब हाफ लाइफ होगी यानी कि टी 1/2 या फिर टी 50% होगा, उस टाइम पर जो हमारा सी टी होती है फाइनल कंसेंट्रेशन, वो क्या हो जाती है, C0/2। इसको इस फॉर्मूला में डाल दो, क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू 1/C0/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू 1/C0। ये हमारा क्या है, टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो के इंटू टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/C0। सी नॉट क्या होती है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, सी नॉट क्या होती है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 10⁻ क्या आएगी, 10⁻⁴ हमारी के की वैल्यू है, टी हाफ लाइफ तो निकालनी है, 1/C0 क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁔। इसको नीचे ले आओ, टी हाफ कितना आएगा, 1/10⁻⁔ × 10⁻⁴। जब कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो वो ऐड हो जाता है, टी हाफ लाइफ क्या होगा, 1/10⁻⁶ हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁶। तो हमारा टी हाफ लाइफ कितना आ जाएगा मिनट्स में, 10⁻⁶ मिनट्स। क्लियर है, क्योंकि देखो ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में पूछा, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। अब अगर आपको हाफ लाइफ का ये वाला फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, सारा कुछ तो दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कैलकुलेट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
यानी कि n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बताओ। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, के टी इज इक्वल्स टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। अभी आपको रिवीजन के टाइम पे भी ये फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, राइट? इसी फॉर्मूला में स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, एन की वैल्यू 3 पुट कर देना है, हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आ जाएगी। तो के टी इज इक्वल्स टू सी नॉट की पावर 1 माइनस 3 माइनस सी टी की पावर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। के टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी नॉट की पावर माइनस 2 माइनस सी टी की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। मानते हो, मानते हो इतनी चीज क्लियर है? हाँ जी, इतनी चीज क्लियर है। इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो के टी इज इक्वल्स टू, मैं ना इसको 1 माइनस 1 बाई 2 को ऐसे लिख देती हूँ और इसको ऐसे लिख देती हूँ, एक ही बात है। इस 1/2 को थोड़ा अलग से शो कर दिया, एक ही बात है। अब देखो के टी इज इक्वल्स टू 1/2 अंदर से किसी की पावर माइनस में हो तो वो अपॉन में हो जाएगा, सी नॉट की पावर का स्क्वायर माइनस सी टी की पावर का स्क्वायर, 1/CT की पावर का स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ जी ये क्लियर है। इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है। अब इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू 1/2, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सी टी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सी नॉट का स्क्वायर। हाँ जी, इस नेगेटिव को मैंने अंदर भेज दिया, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से टी कितना आ जाएगा 1/2 के इंटू 1/ फाइनल कंसेंट्रेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। सो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या आ गई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। किसके लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर। एन की वैल्यू बस 3 पुट करो, बाकी काम तो बहुत सिंपल है, बाकी तो मैथ्स का रोल है सारा, है ना? ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन 4th है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मिनट्स दे रखी है। इफ द इनिशियल अमाउंट इज, इनिशियल अमाउंट ए नॉट होता है या फिर सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है, 0.08 दे रखा है। ठीक है, वो कहता है इफ द इनिशियल अमाउंट इज इतना, कंसेंट्रेशन एट सेम इंस्टेंस इज इतना, इनिशियल अमाउंट इतना है और फाइनल कंसेंट्रेशन उसने हमें कितनी दे दी, 0.01 दे दी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? वो हमसे क्या पूछता है यहाँ पर, वो कहता है टाइम टी की वैल्यू निकाल दो भाई, टाइम टी की वैल्यू निकाल दो। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो आपको पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होता है, टी हाफ कितना दे रखा है, 10 मिनट, 0.693/k हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.693/10 आ जाएगी, यानी कि के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0693। मानते हो के की वैल्यू निकाल ली, अब आपने टाइम इंटरवल निकालना है जब आपकी कंसेंट्रेशन 0.01 हो जाएगी। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद है, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 सी नॉट बाई सी टी, यही फॉर्मूला होता है। के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0693 इज इंटू टी निकालना है, इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 सी नॉट कितना दे रखा है, 0.08 दे रखा है, डिवाइडेड बाय सी टी कितना है, 0.01 है। मानते हो ये किस पे कट गया, 8 पे कट गया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, हाँ जी नेक्स्ट स्टेप में एक बार पीछे से देखते हैं, नोट करते हैं, 0.0693 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 8 आ गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.0693 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, अगर कुछ पावर में हो तो वो आगे आ जाएगा, यानी कि 0.0693 इज इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 3 लॉग टू द बेस 10 2, ये हो जाएगा ना। अब देखो 0.0693 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है, ठीक है 0.3010 होती है ना, आप 0.3 ले लेते हैं, इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है।
टाइम कितना होगा डिवाइड करो 2.303 × 3 × 0.3 / 0.06। पूरा नहीं लेते ना, 0.06 ले लेते हैं, इतना क्या मुश्किल करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। इतना मुश्किल तो हमें करने की इसको बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं रह जाती है। एक चीज और आप सबको याद होगा, आप सबको याद होगा एक चीज शॉर्ट में आपको बता दूं, 2.303 × log 2 जब आप करते हो इसका आंसर क्या आता है, 0.693 तो आता है, इसका आंसर 0.693 आता है। हाँ जी करके देख लो, 2.303 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही आ गया ना, पॉइंट लगा दो 6.909, इसके आगे भी तो 0 पॉइंट लगा है, तो ये आ जाएगा, जब हम 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0.6939, यही आएगा, यही आएगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0.693 × 3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड में क्या है 0.0693 है, मानते हो, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा टाइम कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमारा टाइम आ गया 30 मिनट्स, कितना आ गया 30 मिनट्स। सिंपल था, पहले वाली इक्वेशन से आपने के की वैल्यू निकाली, फिर उस के की वैल्यू आपने मेन फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में पुट किया और आपका आंसर कितना आ गया 30 मिनट्स आ गया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5th। दिस ग्राफ इज ऑफ, ये जो ग्राफ आपको दे रखा है ठीक है, जब टी हाफ और ए के बीच में, टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ और रिएक्टेंट के बीच में ये ग्राफ आपको किस में देखने को मिलता है, ये आपको जीरो ऑर्डर में देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी याद कीजिए, ये जो ग्राफ है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स आपको किस में देखने को मिलता है, ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, इसे शेयर करना है, कमेंट कीजिएगा लेक्चर पे भी क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हुए या नहीं हुए या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब डलती हैं तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।